अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सामी जॉक्सन किचन। मॉर्निंग में हमको ऑनियंस की भाजी के पकोड़े खाने का मन है, बट मैं इसकी तैयारी अभी से करके रख रही हूँ। ऑनियंस की भाजी के पकोड़े में ऑनियंस ज़्यादा लेने होते हैं, इसीलिए मैं इसको रात से ही तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर उठकर इसको ज़्यादा ऑनियंस कट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हमने ऑनियंस कट कर लिए है और ग्रीन चिल्ली भी कट कर ली है। अब हम बेसन ऐड कर देंगे और बेसन को ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ही ऐड करना है जितने ऑनियंस अच्छे दिखने चाहिए। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम इसको ऐसे ही मिला कर रख देंगे ताकि ऑनियंस स्मेल ना करे। और इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे हमें अभी इसमें नमक नहीं ऐड करना है, नमक और बेकिंग पाउडर हम मॉर्निंग में ऐड करेंगे। ऑनियंस अपने ही पानी से बेसन में नमी कर देता है, हमें मॉर्निंग में भी इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। हमें इस तरह इसको क्लीन फ्लिप से कवर कर देंगे और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये देखिए ऑनियंस ने ऑलरेडी अपना पानी से बेसन को नमी कर दिया है। अब इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम 1 स्पून ऑयल, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने बेसन थोड़ा सा अलग लिया है, इसमें मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूँगी और इसका खीरा बनाऊँगी। इस खीरे से मैं 2-4 ग्रीन चिल्ली के पकोड़े बनाऊँगी जो मुझे बहुत पसंद है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखना है उसे। मैंने ऑयल ऑलरेडी हीट पर रख लिया है, ये देखो कितना नाइस हो गया है, मैंने बिल्कुल भी अंदर पानी ऐड नहीं किया है। अब ऑयल भी हमारा रेडी है, हम इसमें पकौड़े डालेंगे। वैसे ऑनियंस के पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी होते हैं और ये चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसको एक एक करके पलट देना है। आप चाहो तो ऑनियंस के साथ पालक भी मिक्स करके पकौड़े बना सकते हैं, और पालक के भी अकेले बनाओ तो वो भी बहुत नाइस लगते हैं। और ऑनियंस और आलू उसको भी हाफ हाफ करो तो वो भी पकौड़े बहुत ही नाइस बनते हैं। ऑनियंस के पकौड़े आपको और ज़्यादा गोल शेप में चाहिए तो आप और भी ज़्यादा बेसन ऐड कर सकते हैं, बट पकोड़े टेस्ट में ये ज़्यादा नाइस होते हैं क्योंकि इसमें ऑनियंस ज़्यादा होते हैं इस वजह से। अब हमारे पकोड़े रेडी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से निकल जाने दे, फिर इसको निकाल ले। सच तो ये है कि ये बहुत ही इजी रेसिपी है, अब जब दिल करे तब बना सकते हैं इसको। ये चीज़ें तो हमारे घर में अवेलेबल होती ही है। बस अब इसी तरह सारे पकौड़े को हम फ्राई कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे। बारिश की मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो तो लाजवाब लगते हैं। तो ये थे हमारे ऑनियंस की भाजी के पकौड़े, उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब हमारे दूसरे पकौड़े भी रेडी है, उसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम पकौड़ों को चाय और केचप के साथ सर्व करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक्स और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अब आप हमको दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखें हमें।